हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री की। जो 0 से 90 डिग्री तक के जो एंगल्स होते हैं उस एंगल्स की टेबल कैसे बनाई जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि उस टेबल को रटने की कोशिश करते हैं, और उस टेबल में क्या है कि यदि आपने उस टेबल को रटा और यदि उसमें एक डिजिट भी आपका रॉन्ग हो गया या एक वैल्यू भी आपकी रॉन्ग हो गई, तो फिर वो टेबल का जो क्वेश्चन आप करेंगे, उस टेबल से जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो 100% आपका रॉन्ग होगा, राइट। और जो आप याद मतलब जो आप रटेंगे, राइट, तो रटने वाली चीज आपको भी पता है कि वो ज्यादा टाइम तक या ज्यादा समय तक वो आपके साथ नहीं रहती, वो केवल कुछ दिनों तक ही आपके साथ रहती है। तो यहां मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं, और वो टेबल बनाने का तरीका इतना आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे, और कभी आप जब कभी भी आपको उसकी मिस रिक्वायर है तब आप फटाफट उस टेबल को बना सकते हैं, और केवल 50 सेकेंड के अंदर बना सकते हैं, ओनली फॉर 50 सेकेंड। तो चलिए मैं आपको तरीका बता देता हूं जिससे कि टेबल बनती है। और साथ में दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियो हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल से। तो दोस्तों, ये टेबल मैंने बनाई है, और ये टेबल है आपकी 7x6, 7x6 यानी कि 7x6। अब आप कहोगे सर ये 7x6 क्या है? अरे भाई ये है 7, तो 7 तो आपको रोज बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो आपको रोज बनानी है, ये है रो, राइट। और 6 ये है आपके सी, सी मीन्स कॉलम, 6 आपको कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 7x6, राइट। तो 7 मीन्स रोज एंड 6 मीन्स कॉलम, राइट। अब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, जो कि मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने बिल्कुल उसको क्लियर कर दिया था, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए थे, तो मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा आप। तो देखिए, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, तो यहां सबसे पहले यस साइन आप कीजिए, सेकेंड वाला कॉस, थर्ड वाला टैन, फोर्थ वाला कॉट, फिफ्थ वाला सेक, और 6 वाला कॉसेक। ऐसे क्या था ना उसमें, मैंने साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सेक। दोस्तों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है आप इसको इसी ऑर्डर में लर्न रखना, राइट, और इसी ऑर्डर में आपको रखना है, राइट। इसके बाद यहां पे 0 डिग्री, राइट, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, राइट, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ओके। चलिए इसके बाद क्या करना है दोस्तों, कि यहां मैं आपको बता रहा हूं कि एक लाइन, ठीक है, एक लाइन आप फर्स्ट वाली जो लाइन है वो आप लर्न कीजिएगा, राइट। उसको लर्न नहीं भी करते हैं तो भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन मेरे साथ इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, राइट। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाली लाइन है इसको आपको लर्न करके लिख देना है। यहां 0 लिखना है दोस्तों, ये 1/2, राइट, 1/√2, ओके, √3/2 और 90 में 1, बस केवल आपको फर्स्ट लाइन लर्न करनी है, बाकी पूरी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, राइट। 0, ½, 1/√2, √3/2 एंड 1, राइट। चलिए अब कॉस, इस कॉस के लिए क्या करना है कि इसी लाइन को आपको बैक साइड से लेना है, यानी कि आपको इसी लाइन को पीछे की तरफ से आपको लेना है, आप बोलते ना यू टर्न, तो यू टर्न लेना है, राइट। तो पीछे की तरफ से इसको लिख दीजिए, यानी कि यहां से, तो ये इसमें 1 आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में √3/2 हो जाएगा, इससे अगले वाले में 1/√2 हो जाएगा, पीछे से ले रहे हो ना भाई, तो इस वाले में 1/√2 हो जाएगा और इस वाले में आपको 0 हो जाएगा। क्या किया आपने, पीछे से उसको लिया है, राइट, सेकंड हो गया, राइट। अब देखिए टेन,
अब देखिए, आपने जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें आपको पता है कि टैन होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, इसको कहते हैं टैन, राइट। तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है, डिवाइड करना है आपको, डिवाइड ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो जीरो, राइट, सॉरी जीरो, जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो जीरो, करेक्ट, राइट। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टू से टू कट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपके पास, वन अपॉन रूट थ्री। ऐसे ही तो होता है दोस्तों, वन अपॉन टू डिवाइड बाय रूट थ्री अपॉन टू, टू से टू कट हो गया, वन अपॉन रूट थ्री आपके पास रह गया, इसमें पूरा पूरा कट हो गया तो ये आपके पास आ गया वन, राइट। इसमें नीचे से टू कट हो गया तो ये रह गया आपके पास रूट थ्री। अब आ जाइए दोस्तों लास्ट वाले पॉइंट पे, आप क्लास सिक्स सेवन एट से पढ़ते आते हैं कि जब किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाता है, यानी कि किसी भी नंबर को जब आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये, यस, इसको कहते हैं नॉट डिफाइन। कौन सा नंबर है ये, ये नंबर है नॉट डिफाइन, राइट। तो इन्फिनिटी, यस, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन, तो ये हो गया आपका नॉट डिफाइन, करेक्ट, हो गए आपके थ्री, राइट। नाउ नेक्स्ट फॉर कॉट, कॉट वाले में क्या करना है, यस, वही आपको जो आपने फर्स्ट वाले में किया था, क्या क्या था, पीछे से आपको यू टर्न लेना है, यानी कि यहां से इसी रो को आपको लिखना है, बट यहां से लिखना है, यू टर्न लेके लिखना है, राइट। तो इन्फिनिटी रूट थ्री, वन, वन अपॉन रूट थ्री और जीरो। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छी तरीके से अपन इस टेबल को बना रहे हैं और आपको याद भी हो रही होगी, राइट। चलिए अब आइए सेक, देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि सेक रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है दोस्तों, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो जो कॉस वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका सेक बन जाएगा, रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। और इसका क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। चलिए तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो वन का रेसिप्रोकल, वन का रेसिप्रोकल वन ही होता है भाई। इसका रेसिप्रोकल इसका होता है टू अपॉन रूट थ्री, राइट। इसका रेसिप्रोकल ये लो रूट टू, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल ये लीजिए टू। अब आइए दोस्तों जीरो, जीरो का क्या होता है रेसिप्रोकल, नहीं जीरो का रेसिप्रोकल जीरो नहीं होता, राइट। देखिए जनरली कोई भी नंबर होता है तो उसके नीचे अपन क्या लिखते हैं, वन, तो जीरो के नीचे क्या लिखा, वन। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो का क्या होता है, वन अपॉन जीरो का क्या होता है, नॉट डिफाइन, तो ये हो गया नॉट डिफाइन, करेक्ट। और लास्ट कॉसेक, कॉसेक वाले के लिए क्या कीजिए, आप इसको बैक साइड से ले लीजिए, राइट। तो ये हो गया इन्फिनिटी टू रूट टू, टू अपॉन रूट थ्री और वन। तो दोस्तों ये हो गई टेबल आपकी कंप्लीट, राइट। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि यदि फर्स्ट वाली जो लाइन है वो आपको लर्न करनी है। अब यदि आप उस फर्स्ट वाली लाइन को लर्न नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिना लर्न के ही आपको एक टेक्निक सिखा देता हूं जिससे आपको फर्स्ट लाइन भी लर्न करनी नहीं होगी। देखिए वो टेक्निक क्या है, वो टेक्निक ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जीरो से लेके फोर तक की काउंटिंग लेनी है, जीरो से लेके फोर तक की आपको काउंटिंग ले लीजिए। तो जीरो से फोर तक की काउंटिंग तो सबको ही आती है कि सर इसमें क्या है, लीजिए जीरो वन टू थ्री फोर, राइट। अब इन सब में फोर का डिवीजन कर दीजिए, यानी कि डिवाइड कर दीजिए। दूसरा काम ये कीजिए, तीन काम करने हैं आपको। पहला काम क्या करना है, जीरो से फोर तक की आपको क्या लेनी है, काउंटिंग लेनी है। दूसरा काम क्या करना है, फोर से सबको डिवाइड करना है, ये दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम क्या है, तीसरा काम ये करना है बच्चों कि इन सब पे रूट लगा देना है, बस हो गया आपका काम, और कुछ नहीं करना, हो गया आपका काम, राइट।
अब देखिए जीरो को फोर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, राइट। तो जीरो को फोर से डिवाइड किया तो जीरो आ गया, वन का रूट वन होता है और फोर का टू होता है, तो ये हो गया आपका वन अपॉन टू। यहां कट कर दीजिए वन अपॉन टू, वन का रूट वन होता है, टू का होता नहीं है, तो जिसका नहीं होता उसको रूट में रहने देना, तो ये हो गया वन अपॉन रूट टू। थ्री का होता नहीं है तो रूट थ्री, फोर का टू होता है तो रूट थ्री अपॉन टू, और फोर से फोर कट गया तो ये हो गया आपका वन, है ना दोस्तों, कितना आसान सा तरीका। तो ये तरीका आप टू टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मेरी गारंटी है आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ये टेबल आपको बनानी आ गई होगी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं अपन जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा पार्ट थ्री, ये पार्ट टू होगा, पार्ट फर्स्ट मेरा पहले था, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बाय फ्रेंड्स।